मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल क्रिक फैंस। एवरी डे बहुत बड़ी बड़ी खबर आईपीएल को लेके आते रहते हैं। आज भी कुछ बड़ी बिग न्यूज आईपीएल को लेके आ रही है जो आपके होश उड़ा देंगे। बेंगलोर के कैंप से भी बहुत बड़ी खबर आई है, मेल स्ट्रोक्स को लेके भी बहुत बुरी खबर है। तो पूरा जानकारी के लिए मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए, लास्ट वाले न्यूज बहुत ही चौंकाने वाला है। ठीक है समरिया, जो चेन्नई कैंप की तरफ से आ रही है, तो वीडियो की आखिर तक बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आईपीएल को लेके क्या क्या बड़ी खबर आ रही है। मुंबई कैंप से बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बहुत खुशखबरी है मुंबई के लिए। जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड की तरफ से एनओसी दे गई है। पिछले साल इंजरी की वजह से आर्चर एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए थे, लेकिन आर्चर अब फर्स्ट मैच से एकदम लास्ट मैच तक मुंबई की तरफ से खेलेंगे। तो कुल मिलाकर मुंबई के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। बुमराह के बाहर होने पर आर्चर कुछ हद तक मुंबई के लिए थोड़ा राहत लाएंगे और मुंबई के गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी बड़ी खबर क्या है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आरसीबी कैंप से। आईपीएल के तीन बहुत बड़े स्टार विराट कोहली, एबीडी एंड क्रिस गेल, तीनों को एक साथ देखा जाएगा। आरसीबी के पहला मैच जो मुंबई के साथ होने वाला है, डगआउट में क्रिस गेल और एबीडी भी दिखाया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा, तीन खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजी को इतना बड़ा बनाया, उन तीनों को देखने के लिए फैन बहुत ही बेकरार है। उन तीनों को आप एक साथ इकट्ठे पहला मैच में देख सकते हो जो मुंबई के खिलाफ होगा, जहां विराट कोहली तो खेलते नजर आएंगे लेकिन डगआउट में दिखा जाएगा क्रिस गेल और एबीडी को। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इन तीनों को एक साथ देखने के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं। चलिए अब आते हैं तीसरी बहुत बड़ी खबर। अब फाइनली चेन्नई की टीम ने सब एक साथ होके चेपक में अपना कैंप लगाई है, जहां पे कल रात तक चेन्नई के सभी बड़े खिलाड़ी यहां चेपक में पहुंच चुके हैं। एमएस धोनी, अंबती रायडू, अजिंक्य रहाणे के साथ ऐसे ही बहुत बड़ा प्लेयर आपको अब चेपक में प्रैक्टिस करते दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट सभी इंडियन प्लेयर अब चेन्नई पहुंच चुके हैं। अब आते हैं चौथी बहुत बड़ी खबर की। चौथी बड़ी खबर आ रही है जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह जैसे आपको पता ही है आईपीएल और डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर हो चुके हैं। अब इंडिया में जसप्रीत बुमराह की सर्जरी नहीं होगी, बुमराह की सर्जरी होगी न्यूजीलैंड में और बुमराह कुछ ही दिनों में न्यूजीलैंड रवाना होंगे अपने सर्जरी के लिए। अब आते हैं पांचवी बहुत ही बड़ी खबर जो आपको चौंका देगा, और ये खबर आ रही है चेन्नई कैंप से। चेन्नई की बेन स्टोक्स को इंग्लैंड ने एनओसी तो दे दिया था, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स को हर एक मैच खेलने की अनुमति दिया गया है। अब बुरी खबर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस साल चाहकर भी बेन स्टोक्स को सभी मुकाबले नहीं खिला पाएंगे। इसी कारण यह है कि बेन स्टोक्स को करंटली नी में इंजरी हो चुके हैं। अब इस घुटनों में इंजरी के चलते हुए बेन स्टोक्स को एशेज के लिए थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, और चेन्नई को 14 में से बेन स्टोक्स को अप्रोक्स 7-8 मैच ही खिला पाएंगे, जो बेन स्टोक्स को लेकर चेन्नई के लिए बहुत ही बुरी खबर है, जो चेन्नई के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं अपने आईपीएल मैचेस में। तो कैसा लगा आईपीएल को लेकर पांच अपडेट्स कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं और नए आईपीएल न्यूज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।